एन कनिष्का, लेक्चरर एट ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फैशन एंड फाइन आर्ट्स। कल हमने लेक्चर में सीखा था फैशन रेंडरिंग क्या होता है, फैशन रेंडरिंग की नीड क्या होती है, और हम उसको कैसे कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ करके हम लोग अपने गारमेंट्स में टेक्स्चर दिखा सकते हैं, कैसे उसको लाइफ में ला सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंट गारमेंट के डिटेलिंग्स। गारमेंट की डिटेलिंग्स क्या होती है? गारमेंट में थ्री टाइप की डिटेलिंग्स होती है गारमेंट में। जैसे कि आप इस इमेज को देख सकते हैं, ये एक गारमेंट है जिसमें फर्स्ट डिटेलिंग, इस गारमेंट में हमने बेल्ट यूज़ की है। जहाँ पे फिटिंग के लिए कोई चीज़ यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिटेल्स। स्ट्रक्चरल डिटेल्स मतलब हम लोगों को गारमेंट को स्ट्रक्चर देने के लिए जो भी डिटेल्स यूज़ होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिटेल्स। देन होते हैं डेकोरेटिव डिटेल्स। डेकोरेटिव डिटेल्स जैसे हमने इसका ब्लेज, ऊपर की जैकेट देखो, उसकी जैकेट में हमने ऊपर से अलग से डिज़ाइन डाला है, उससे वो अलग से उसका स्ट्रक्चर, उसमें एक डिज़ाइन, उसका डेकोरेटिव, उसका कुछ अलग सा लुक देने के लिए हमने उसको यूज़ किया है, जिससे उसका बनता है डेकोरेटिव डिटेल्स। द लास्ट वन इज़ फंक्शनल डिटेल्स। फंक्शनल डिटेल्स क्या होती हैं? जैसे कि हमारे गारमेंट में पॉकेट्स, हमें पॉकेट की नीड होती है, जिसमें हम लोग कोई चीज़ रखते हैं, हमारी स्लीव्स हो गई और कोई भी कॉलर हो गया, हम लोगों को कॉलर की नीड होती है, बिना कॉलर वाले होते हैं, नेक लाइंस होती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं गारमेंट के, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल डिटेल्स। देन हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है पॉकेट्स। पॉकेट्स क्या होती है? पॉकेट्स एक स्मॉल पाउच होता है गारमेंट में, जिसमें हम थोड़ा बहुत अपना कुछ मटेरियल रख सकते हैं, फ़ोन कैरी कर सकते हैं, वॉलेट रख सकते हैं। हमें गारमेंट में पॉकेट्स की नीड बहुत ज़्यादा होती है। उसकी हम लोग इलस्ट्रेशंस कर कैसे करते हैं, उसको कैसे हम गारमेंट में दिखाएंगे, कैसे उसको इलस्ट्रेट करते हैं, कैसे उसको रेंडर करते हैं, कैसे उसमें लाइट कहाँ से फॉल होना चाहिए, कहाँ पे उसकी डिटेलिंग दिखनी चाहिए। इसमें जैसे बटन्स दिख रहे हैं, बटन्स बनाते हैं, देन सीम लाइंस कहाँ कहाँ आनी चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है रेंडरिंग करते टाइम, जब हम गारमेंट में रेंडरिंग करते हैं। द सेकेंड वन इज़ नेक लाइन। नेक लाइन क्या होता है? हमारे गारमेंट के अंदर एक होल होता है जिससे हम लोग अपने उसको वेयर कर सकते हैं, मतलब हेड हमारा पुट करने के लिए एक एरिया होता है। यू कैन सी द शेप ऑफ द ओपनिंग ऑफ द हेड, द टॉप ऑफ द गारमेंट। हमारे किसी भी टॉप में, शर्ट में या किसी भी चीज़ में हमारा सिर गुजरने के लिए जो चीज़ एरिया होता है उसको हम नेक लाइन बोलते हैं। वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हॉल्टर नेक है, ये वाला सेबरीना कट है, ये वी नेक लाइन है। हमारे पास बहुत डिफरेंट वैरायटी की नेक लाइंस हैं, जो कि हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, एंड आपका असाइनमेंट भी कर सकते हो, आप लोग उनके बारे में खुद से रिसर्च कर सकते हो। डिफरेंट पॉकेट्स भी डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे ये वाली पॉकेट्स हैं, ये वाली हमारे पैंट्स में यूज़ होती है, शर्ट्स में यूज़ होती है, डिफरेंट पॉकेट्स होती है। एक आपकी पॉकेट आती है साइड वाली, लाइक जीन्स में, लाइक दिस वन, इतना एरिया होता है, उसमें आप उसमें फ़ोन रख सकते हो अपने जीन्स के पॉकेट्स में। देन द नेक्स्ट वन इज़ कॉलर। कॉलर का काम क्या होता है? हमारी नेक लाइन जहाँ पे हम जो फॉर्मल वेयर या सेमी फॉर्मल वेयर्स में हम लोग कॉलर यूज़ करते हैं, एक अलग सा फैब्रिक जो कि हमारी नेक लाइन के ऊपर अटैच होता है, जिससे एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जिससे वो फॉर्मल या फिर थोड़ा स्ट्रक्चर देता है, थोड़ा फॉर्मल लुक देता है, उसको बोलते हैं हम लोग कॉलर। ये हो गया कॉलर। कॉलर क्यों हम लोगों को नीड होती है? कॉलर हमारा कई बार बटन्स वाला होता है, बिना बटन्स का होता है, डिफरेंट फ्लैप्स होते हैं उसमें, शॉल कॉलर्स होते हैं जिसमें जिसका लुक शॉल जैसा आता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, पॉकेट्स कैसे ड्रॉ किया जाएगा। अगर आप ऐसे पॉकेट है आपकी, उसमें हमने प्लीट डाली है, उसकी रेंडरिंग कैसे होगी? हम लोगों के अंदर में जहाँ पे डेप्थ आनी चाहिए, यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट फॉल कर रही है, तो इस एरिया में लाइट नहीं जाएगी, यहाँ पे लाइट रहेगी, तो कोई कलर नहीं करेंगे। आप
कलर यूज कर सकते हो लेकिन डेप्थ नहीं डालेंगे। डेप्थ डालने वाला एरिया हमारा ये वाला होता है, एरिया में हम लोग डेप्थ डालेंगे। ऐसे हमारी पॉकेट का स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंट पॉकेट्स होती है। आप लोग एक इसमें हमारा एक असाइनमेंट काइंड ऑफ रहेगा जिसमें आप बना सकते हो स्मॉल ब्लॉक्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की पॉकेट्स दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी नेकलाइन। नेकलाइन बनाने के लिए लाइक ये आपका शोल्डर है, इसमें वी नेकलाइन। नेकलाइन की फिनिशिंग भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे हमारे पास अभी था उसमें हमारी, अगर ये फुल्ली फिनिश्ड नेकलाइन है तो इसमें हमको सीम्स दिखाने की नीड नहीं है, बट डिफरेंट नेकलाइंस होती है तो उसमें पाइपिंग होती है, पाइपिंग रहेगी इसके ऊपर में, डिफरेंट कलर से दिखा सकते हैं आप उसको, या फिर उसकी सीम्स को आप दिखा सकते हो यहाँ पे डॉटेड डॉटेड सीम्स। ऐसे आप नेकलाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। द लास्ट वन इज कॉलर। डिटेलिंग्स के लिए आप डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं, डेप्थ यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारी डेप्थ किस एरिया में आएगी? लाइक ये आपका कॉलर हुआ, ये आपकी शर्ट हो गई, यहाँ पे बटन है, इसमें ये फ्लैप के अंडर की साइड में आपकी डेप्थ रहेगी, इस वाले फ्लैप के अंडर में आपके डेप्थ रहेगी, फ्लैप के यहाँ पे एक माइनर सी शेडो रहेगी, एंड ऊपर की साइड में जो भी आपकी लाइट इफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से आपका कलर या फिर लाइटिंग आप देख सकते हो वो रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्लीव्स। स्लीव्स क्या होती है, स्लीव्स की नीड क्या होती है? द पार्ट ऑफ द गारमेंट दैट इज कवरिंग आवर आर्म्स। हमारी स्लीव्स को कवर करने के लिए, हमारे आर्म्स को कवर करने के लिए जो पार्ट यूज होता है वो होता है स्लीव्स, उसको स्लीव्स कहते हैं। स्लीव्स की भी अलग अलग टाइप की फिनिशिंग्स होती हैं। जैसे हमारी बेसिक स्लीव्स हैं, ये आपका टी शर्ट हो गया, टी शर्ट में ये बेसिक स्लीव है। इसकी फिनिशिंग आप रेंडरिंग कैसे करोगे, आप कैसे दिखाओगे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ने अगर इसको पहना हुआ है, या फिर आप स्केच कर रहे हो बेसिक स्केचिंग में, इसमें हम लोग फ्रंट फ्लैप को कर्व डालेंगे एंड द बैक फ्लैप विल हैव डिफरेंट कर्व। एंड अगर आपने किसी मॉडल को डाल के दिखाया है देन यहाँ पे हैंड्स होंगे एंड यहाँ वाली साइड दिखाने से आप 3D इफेक्ट आएगा। ये वाला पार्ट डिफरेंट दिखना चाहिए जिसकी वजह से आपका शो होगा कि ये एक 3D गारमेंट है। सिमिलरली आप ऐसे ले सकते हो कि अगर आपने कोई स्लीव बनाई है, शर्ट की स्लीव हो जाती है, ये हो गई आपकी शर्ट की स्लीव। शर्ट की स्लीव में हमारी अलग डिटेलिंग्स ऐड हो जाती है। अगर हम शर्ट दिखानी है, शर्ट में फॉल्स कैसे आ रहे हैं, आपके रिंकल्स कैसे आएंगे आपके फोल्ड के साथ, डिफरेंट रिंकल्स के साथ, और यहाँ पे आपकी प्लीट्स। स्लीव्स की फिनिशिंग आप कैसे दिखा सकते हो, यहाँ पे लाइक यहाँ स्टिच आती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्लीव्स। स्लीव्स क्या होती है, स्लीव्स की नीड क्या होती है? हमारे आर्म्स वाला एरिया कवर करने के लिए जो गारमेंट का पार्ट यूज होता है उसको हम स्लीव्स कहते हैं। स्लीव्स में भी अलग फिनिशिंग्स रहती है। अगर आप नॉर्मल रेंडरिंग कर रहे हो, अगर आपकी बेसिक टी शर्ट है, मैच है, और
ये आपकी बेसिक स्लीव है, यहाँ से आपका आर्म फॉल हो रहा है। तो आपको ये अभी ओनली 2D स्ट्रक्चर दिख रहा है। आप कैसे दिखाओगे कि ये एक शर्ट है जिसकी ये नेक लाइन है, यहाँ पे नेक है, इसको कैसे शो करोगे? तो स्लीव्स का रेंडरिंग का प्रोसेस ये रहता है कि हम लोग बैक साइड भी उसकी दिखाते हैं। लाइक हम फ्रंट साइड जब बनाएंगे तो उसमें यहाँ फ्रंट में कर्व रहना चाहिए, जिसकी वजह से ये फ्रंट साइड पता चलेगी। देन सेकेंड वन इज़ कि हम लोगों को इसका बैक पार्ट भी दिखाना है, जिसकी वजह से ये पता चलेगा, बिकॉज ये 3D गारमेंट है। देन हम लोग इसको लेते हैं, इधर में हमारी रहेगी डेप्थ एंड शेड। बैक पार्ट है तो उधर में ऑब्वियसली हमारी लाइट नहीं जाएगी, तो वहाँ पे डार्कनेस रहेगी, या फिर गारमेंट के कलर से थोड़ा डार्कर शेड रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ कि अगर हमारी स्लीव शर्ट की स्लीव है तो उसकी हम लोगों को डिटेलिंग्स कैसे देनी है, हमको उसकी फिनिशिंग्स कैसे देनी है। ये हो गई हमारी शर्ट की स्लीव, जिसमें हम लोग रिंकल्स दिखाएंगे। अब इसमें डिटेलिंग दिखाने के लिए मैं आपके लिए लेती हूँ डिफरेंट कलर। ये हमारी हो गया कफ, जो स्लीव का यहाँ पे पार्ट आता है उसको बोलते हैं हम कफ। कफ्स में क्या आता है, यहाँ पे हमारी स्टिचिंग ऊपर की साइड दिखाई देती है, उस स्टिचिंग की डिटेलिंग्स को हम लोग दिखाएंगे डॉटेड लाइंस से। यहाँ पे एंड बटन्स, इफ सिंगल बटन है तो सिंगल बटन, इफ डबल बटन्स हैं तो डबल बटन। ये हो गई हमारी स्लीव्स की फिनिश। देन नेक्स्ट आता है डार्ट्स, गैदर, प्लीट्स एंड लूप। ये सारे हमारे डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स बोल सकते हैं आप, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स भी हो सकता है। तो डार्ट क्या होता है? डार्ट इज़ स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग पार्ट। स्ट्रक्चरल जो हमारा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गारमेंट में स्ट्रक्चर देने के लिए जो जो एलिमेंट्स यूज होते हैं वो सब होते हैं स्ट्रक्चर में। लाइक हमारा ये बॉडीस है, आपने एक टॉप बनाया, उसमें अगर ये लूज टॉप है, इसमें ये लूज है एंड यहाँ पे आपकी बॉडी के कर्व्स हैं। इफ हमको इस टॉप को फिटेड बनाना है तो हम इसमें एक ट्राइंगुलर स्टिच डालेंगे और समथिंग, जो कि आप स्विंग में डिफरेंटली सीख सकते हैं, डिफरेंट पार्ट है। इसको हम लोग स्टिच करेंगे तो इसमें स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये श्रिंक हो जाएगा, आपके वेस्ट तक आ जाएगा। लाइक इसका एट द एंड स्ट्रक्चर ऐसा होगा एंड यहाँ पे हम डार्ट दिखा सकते हैं, बिकॉज डार्ट की लाइंस विजिबल नहीं होंगी, बट इफ आपका पैटर्न वाला गारमेंट है, पैटर्न वाला स्ट्रक्चर है, तो उसमें आपका पैटर्न ऐसे श्रिंक हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ गैदर्स। गैदर्स क्या होता है, जैसे हमने एक गारमेंट, एक फैब्रिक का लॉन्ग स्ट्रिप लिया, उस लॉन्ग स्ट्रिप को हम लोग सीव करके एक साथ इकट्ठा करेंगे तो उससे गैदर्स बनते हैं। बेसिकली गैदर्स इसलिए यूज़ करते हैं कि थोड़ा वॉल्यूम डाल सके हम लोग अपने गारमेंट के अंदर। तो गैदर्स कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक हमारा ये फैब्रिक है, इसमें हम यहाँ पे एक स्टिच लगा के उसको खींचेंगे तो ये पुल हो करके एक ऐसा इफेक्ट देगा। ये हो गया हमारा गैदर्स का रेंडरिंग। अब गैदर्स की रेंडरिंग हम कैसे करते हैं,
लाइक हम लोगों को बेसिक नीचे की जितनी डिटेल्स हैं उसमें भी लाइंस यूज़ करनी है ताकि हम दिखा सकें, बिकॉज यहाँ पे हमारा फैब्रिक यूज़ हुआ है एंड इधर की साइड में गैदर्स आए हैं तो इधर में भी हमारे कुछ रिंकल्स आएंगे, तो हम लाइंस यूज़ करके रिंकल्स ऐड करते हैं जिससे कि हमारा गैदर्स वाला इफेक्ट आएगा। ये बन गया हमारा गैदर्स। सिमिलरली हमारी गैदर्स वाली स्कर्ट होती है जो नॉर्मल बच्चों के प्रिंसेस काइंड ऑफ स्कर्ट्स होती है, बॉल गाउन्स होते हैं, उसमें हम लोगों का बेसिकली गैदर्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लीट्स। प्लीट्स क्या होती है, आप ये वाली इमेज देख सकते हो, फैब्रिक को हम लोग फोल्ड कर रहे हैं, फोल्ड करना इज प्लीट्स, इक्वल डिस्टेंसेस पे हम लोग उसको फोल्ड कर रहे हैं तो वो प्लीट्स होती हैं। प्लीट्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, ये वाली हमारी जो है ये वाली नाइफ प्लीट है। सिमिलरली इसमें भी हमने उतना ही लंबा फैब्रिक लिया है बट इसमें हम लोग उसको ऐसे फोल्ड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग फोल्ड करेंगे तो हमारा एट द फाइनल लुक जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। लाइक अभी हमने अभी पीछे एग्जांपल देखा था नाइफ प्लीट का, मैं आपको अभी बताती हूँ कि बॉक्स प्लीट्स कैसे बनती है। बॉक्स प्लीट्स के लिए हम लोग बनाएंगे, बॉक्स प्लीट बेसिकली होती है कि हमने उसको इनवर्ड में दो प्लीट्स को अंदर फोल्ड किया है। आपकी बेसिक स्कूल वाली जो स्कर्ट्स होती है उसमें बॉक्स प्लीट्स होते हैं। ये हमारी आउटर साइड की जो प्लीट्स है बट हमारा फैब्रिक अंदर की साइड में भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस फैब्रिक को हम इस तरह से डालेंगे, लाइक हमारा 3D इफेक्ट आना चाहिए। ये हो गई हमारी प्लीटेड स्कर्ट। इसमें हम लोग रेंडरिंग कैसे करेंगे, हम लोगों को डेप्थ डालनी है तो हमारा जो इनर साइड है ये इनर साइड में हम लोग डालेंगे डार्कर शेड। यहाँ पे डार्कर शेड एंड ऊपर में हमारा रहेगा लाइटर शेड। इसमें आप लाइट शेड करेंगे, इसमें एग्जैक्ट डिटेलिंग मैं नहीं बता सकती बिकॉज हम लोग अभी बोर्ड पे कर रहे हैं। अगर आप शीट पे बनाते हो तो उसमें हम लोग डिटेलिंग दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप स्ट्रक्चर डाल करके, बहुत सारी डेप्थ डाल के, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज़ करके हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा योक। योक क्या होता है, योक हम लोग डार्ट को रिप्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं। डार्ट कैसे हमने यूज़ किया था, डार्ट जो होता है वो भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट होता है एंड योक भी स्ट्रक्चर देने के लिए होता है। डार्ट के लिए हम लोगों को स्टिच डालना पड़ता है बट द योक इज कि हम लोग उसमें स्टिच नहीं डालेंगे, वो हम लोग ऑन बायस कट करते हैं जिससे वो स्ट्रेचेबल होता है, जिसमें हम लोगों को स्ट्रक्चर डालने के लिए उसमें सीम डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो योक हम लोगों को कहाँ कहाँ मिलेगा, योक आपको मिलेगा स्कर्ट्स में, टॉप्स में मिलता है, आपके जो टॉप्स आते हैं जिसमें आप ऊपर में अलग फैब्रिक होता है एंड नीचे फ्लोई इफेक्ट होता है। सो ऊपर में जो फैब्रिक यूज हुआ है, ऊपर का जो ये पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं योक। सिमिलरली हमारी स्कर्ट्स होती हैं, स्कर्ट्स में ऊपर में हमारा हिप एरिया तक, ये हमारा हिप एरिया है जहाँ पे हम लोगों को बेसिकली स्ट्रेच चाहिए होता है, उस स्ट्रेच एरिया तक जो पार्ट आता है वो हो गया हमारा योक, बिकॉज हम लोगों को इसमें डार्ट की नीड नहीं हुई। उसके नीचे हमारा फिर अगेन फ्लोई फैब्रिक है, इधर गैदर्स हो सकते हैं, प्लीट्स हो सकती है एंड ये हो गई हमारी स्कर्ट, ये पार्ट हो गया हमारा योक एंड अगेन
ये पार्ट है हमारा योक. ओके एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा और योक कहाँ यूज होता है? मेन्स वेयर में. मेन्स वेयर में उनका शर्ट्स का बैक साइड आप अगर देखोगे तो कॉलर के नीचे ये पार्ट रहता है एक, देन यहाँ स्लीव्स होती है एंड यहाँ पे दो प्लीट्स के साथ नीचे का फैब्रिक होता है. तो यहाँ पे हम लोगों को होती है, हम लोगों को यहाँ पे योक की नीड इसलिए होती है बिकॉज मेंस के शोल्डर काफ़ी ब्रॉड होते हैं. ब्रॉड होते हैं तो उन लोगों को मूवमेंट चाहिए. वो कैसे अपना हाथ मूव कर सकते, लोग यहाँ पे योक नहीं देंगे तो वो स्टिफ रहेंगे, वो हैंड्स का मूवमेंट नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते. योक हमारा बेसिकली हमारी स्टिफ एरियाज में मूवमेंट देने के लिए, ब्रीदेबिलिटी डालने के लिए यूज होता है. नेक्स्ट आता है फ्रिल्स, रफल्स, काउल्स एंड स्मोकिंग. ओके तो फ्रिल्स क्या होती है? अभी हमने पीछे गैदर्स देखे थे एंड रफल्स क्या होते हैं, लाइक आप देख रहे हो क्योंकि ये दोनों चीज़ें भी हमारी गैदर से मैच कर रही हैं बट दे आर डिफरेंट थिंग्स. ओके तो फ्रिल्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? नेक्स्ट फ्रिल होती है हमारा हम लोग एक फैब्रिक को यूज़ करके उसमें गैदर्स डाले बिना उसमें हम लोग फ्लो कैसे दिखा सकते हैं, ये चीज़ होती है. तो ये है हमारे, हम लोग एक स्पाइरल में फैब्रिक को कट करते हैं. तो इसका जो अंदर वाला सरफेस है, अंदर वाले सरफेस से ये होता है कि इसका लेंथ कम होता है कंपेयर टू द आउटर सरफेस. आउटर सरफेस का लेंथ ज़्यादा होगा तो जब हम इसको कट करने के बाद ओपन करते हैं तो क्या चीज़ बनती है, एक स्ट्रेट लाइन. उस स्ट्रेट लाइन में फ्लो आता है बिकॉज हमारी ये नीचे की आउटर सरफेस की लेंथ ज़्यादा थी कंपेयर टू इनर सरफेस की लेंथ, तो जिसकी वजह से ये बन गए हमारे फ्रिल्स. ये होता है फ्रिल्स एंड इन फ्रिल्स को हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी गैदर. लाइक हमने पीछे अभी नेक लाइन देखी थी, उस नेक लाइन में फ्रिल लगा करके गैदर्स के बिना सेम ये वाला हमारा गैदर वाला लुक आ गया. ओके नेक्स्ट आता है रफल्स. रफल्स क्या होते हैं? एंड अगेन आपको रफल्स सिमिलर दिख रहे होंगे. ये होते हैं रफल्स. रफल्स भी सिमिलर दिख रहे होंगे, लाइक सिमिलर हमने स्मॉल स्ट्राइप्स लेकर के उसमें गैदर्स डाल दिए एंड उसको रफल बोल दिए. बट रफल्स क्या होता है? बेसिकली गारमेंट में ड्रामा ऐड करने के लिए. गैदर्स होते हैं हम लूजली उनको गैदर करते हैं लेकिन रफल्स में हम लोग उसको बहुत क्लोजली गैदर करेंगे एंड उससे वॉल्यूम और ज़्यादा आएगा, नॉर्मल गैदर से ज़्यादा आता है. तो सिमिलरली हमने पहले जो स्ट्रक्चर बनाया था गैदर्स का उसमें हमारा इफेक्ट ऐसा आ रहा था. बट इन रफल्स, रफल्स में होएगा कि लाइक दिस, ये हो गए हमारे रफल्स. लाइक एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऐड करने के लिए हम लोग रफल्स यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज काउल. काउल क्या होता है? कहीं पे भी हम लोग ऑन बायस फैब्रिक रख करके उसको लूज लुक दे रहे हैं. लाइक ये वाली जो आप नेक लाइन देख सकते हो, इसको यहाँ रख के यहाँ पे अलग अलग लेयर्स बन रही है फैब्रिक की, उसको बोलते हैं काउल. हमारा काउल स्लीव्स पे भी होता है, स्कर्ट्स में भी यूज़ होता है, बैक में भी यूज़ होता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम लोग काउल्स यूज़ कर सकते हैं एज अ डिज़ाइनिंग एलिमेंट. तो काउल की हमारी रेंडरिंग कैसी रहेगी? ये हो गया
हमारा नेक, देन हमारा फैब्रिक कैसे फॉल कर रहा है काउल का, यहाँ पे हमारे फोल्ड्स रहेंगे बिकॉज हमने फोल्ड्स यूज किए हैं, ये हो गया हमारा काउल। तो काउल की रेंडरिंग क्या रहेगी, हमारी जिस एंगल से लाइट पड़ रही है उसके अपोजिट एंगल में वहाँ पे शेडो रहेगी। लाइक हमारी लाइट इधर से पड़ रही है, ये हमारी लाइट इस एंगल से पड़ रही है, तो शेडो इधर फॉल होगी, दिस एरिया, ये हो गया हमारा काउल। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग क्या होती है, स्मोकिंग होती है हम लोग डिज़ाइन एलिमेंट में यूज़ कर रहे हैं, हम लोग फैब्रिक को श्रिंक कर रहे हैं, उसे श्रिंक करके उसमें डिज़ाइन डाल रहे हैं जिसकी वजह से वो बॉडी से फिटिंग है एंड फिटेड हो जाता है। लाइक इलास्टिक के बिना हम लोग उस फैब्रिक को स्ट्रेचेबल बना रहे हैं, बिना विदाउट एनी इलास्टिसिटी। तो स्मोकिंग विदाउट एनी पैटर्न, कैसी होती है, ये हमारा फैब्रिक है, इस फैब्रिक में हमने इस एरिया में इलास्टिक डाला या इस वाले में गैदर्स डाले या फिर इधर में स्टिच किया, पैटर्न्स डाल करके उसको स्टिच किया, देन उसको श्रिंक करके स्टिच करने के बाद में जो पैटर्न उसका आउटर लुक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं स्मोकिंग। अगर हम लोग बेसिक्स इलास्टिक से अगर स्मोकिंग देते हैं, जो कि हमारे टॉप्स में, स्कर्ट्स में, हमारे फ्रॉक्स में काफ़ी यूज़ होती है, बैक साइड में भी यूज़ होती है, बेल्ट्स में भी यूज़ होती है, तो उसकी इफ़ेक्ट कैसे आता है। लाइक ये आपका फैब्रिक है, उसमें यहाँ गैदर्स फॉर्म होंगे छोटे छोटे, देन यहाँ दूसरी इलास्टिक के बाद यहाँ गैदर्स फॉर्म होंगे, देन यहाँ गैदर्स फॉर्म होंगे, ये हो गई हमारी स्मोकिंग। ये अभी ओनली फैब्रिक वाली स्मोकिंग है, अगर हम टॉप पे बनाएंगे तो उसकी फिटिंग एंड फॉल डिफरेंट होगा। तो ये हो गए हमारे आज के सारे टॉपिक्स, आज का हम लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो हमने आज क्या क्या सीखा,